हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आप सबके स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का 12 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं और ये एक्सरसाइज 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी और आपको एकांत में बैठकर कॉपी पेंसिल लेकर के इसकी आउटलाइन बनानी है। और आपको अगर कोई आउटलाइन नहीं आती है या कोई लाइन छूट जाती है उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं या और शॉर्ट में आउटलाइन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सभी साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, कृषि विकास के लिए भूमि सुधार पहली शर्त है, इसलिए पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार से शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार कार्यान्वित करने के लिए विगत 2 दशकों में अनेक उपाय किए हैं। वामपंथी सरकार ने उस नीति को अपनाकर 2 दशकों में कृषि क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन में 40 लाख टन की वृद्धि हुई है। अत्यधिक सीमाओं में कार्य करने के बावजूद भी वामपंथी सरकार ने पश्चिम बंगाल में किसानों और कृषि मजदूरों के सहयोग से 2 दशकों में भूमि संरचना और कृषि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में 75% कृषि भूमि पर छोटे और सीमांत किसानों का कब्जा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि राष्ट्रीय स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों को केवल 29% कृषि भूमि पर अधिकार है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई कृषि नीति और अखिल भारतीय कृषि नीति में मौलिक अंतर है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए छोटे किसानों का उनकी भूमि से संबंध स्थापित करने के लिए भूमि सुधार अर्थात भूमिहीनों में भूमि का वितरण करना पहली शर्त है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को महत्व प्रदान किया जाए। अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ की आपूर्ति को भी अधिक महत्व दिया जाए। जमीन और जल किसानों के लिए अत्यंत जरूरी है। यदि हम इन्हें यह दे सकते हैं तब किसान संपूर्ण देश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है। इनके अलावा राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु कोई अन्य वैकल्पिक साधन नहीं है। इसके साथ ही साथ कृषि उपज के लिए उचित कीमतें निर्धारित करने की ओर तथा इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों की ओर अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने सरकार के प्रयासों के बारे में कहा है क्योंकि जब कृषि उपज की कीमतें
निर्धारित हो जाती हैं, तब हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के साथ इसकी कहीं कोई समानता अथवा संबंध नहीं है। जो व्यक्ति उपज की कीमतें निर्धारित करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों द्वारा व्यय की गई लागत निकालने के पश्चात किसानों को लाभदायक कीमतें मिलनी चाहिए। ये हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्क्रिप्ट से बोली गई है। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच कर लें, और अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।